Hello, good morning to all of you. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग साहिल गुड मॉर्निंग हर्षिता गुड मॉर्निंग निकिता गुड मॉर्निंग आई यू लिशन माई वॉइस प्लीज कमेंट ऑन चैट बॉक्स आपको अगर वॉइस क्लियर आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए Please share the video in group so that more and more students can join the video. Today's most important topic Lee Chittier Principle. स्टूडेंट्स इससे पहले वाली जो क्लास ले थी मैंने आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्लिबियम एक्ट कॉन्स्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन द के सी एंड केपी है ना एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द क्यू सी एंड क्यूपी इंपोर्टेंस ऑफ द के सी एंड के पी क्यू सी ओके स्टूडेंट तो लेस स्टार्ट टूडे सेसन यस मोर स्टूडेंट जुड़ चुके हैं गुड मॉर्निंग अजय मुस्कान बसेरा एंड प्रशांत आर्या संगीता गुप्ता यस रिसेंटली जॉइन हुई हैं अगेन ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग आपको अगर आवाज़ आ रही है आर यू लिसनिंग माई वॉइस तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जैसे कि आपको टॉपिक दिखाई दे रहा होगा आपका स्क्रीन पर लीच इटरियल प्रिंसिपल इससे पहले मैंने आपको कल एक टॉपिक बताया था रिलेशनशिप बिटवीन द क्यूसी एंड के सी टिप इन माइंड दैट इफ़ द वैल्यू ऑफ इफ़ द वैल्यू ऑफ़ के सी अगर के सी की वैल्यू क्या है आपकी ग्रेटर है के सी इज़ ग्रेटर दैन क्यू पी है ना क्यू सी सॉरी क्यू सी की बात करें तो क्यू सी ही लिखते हैं तो रिएक्शन क्या होगी आपके फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी क्लियर और अगर इसका रिवर्स हो जाए तो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी तो ये मैंने आपको कल बताया था तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे और सेशन स्टार्ट करते हैं आज का तो सेशन हाउस का हमारा है टॉपिक मेन जो टॉपिक रहेगा वो है फैक्टर अफेक्टिंग एक्ब्रियम या एक्बरिया तो मोस्टली यस आवाज़ सारी आवाज़ आ रही क्लियर यस ओके फैक्टर अफेक्टिंग एक्ब्रियम तो इस पर हम ए, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं आज फैक्टर अफेक्टिंग व्हाट आर द फैक्टर विच अफेक्ट द इक्वेरियम तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं माई डियर स्टूडेंट हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स पढ़ेंगे मैं आपको मैं स्लाइड में दिखाता हूँ पहले हम पढ़ेंगे कंसनट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा इसको पढ़ेंगे मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ चीज़ों को उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा इफेक्ट ऑफ प्रेशर पढ़ेंगे माई डियर स्टूडेंट्स और उसके बाद हम पढ़ेंगे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा इस पहले पढ़ेंगे हम इनर्ट गैस का क्या इफेक्ट पड़ेगा देन हम पढ़ेंगे इनर्ट टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा ठीक है तो ये सारे इफेक्ट और उसके बाद हम लास्ट में पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट तो ये मेन आज का टॉपिक रहेगा और उसके बाद मैं आपके लिए लेके आऊँगा सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस एंड द प्रीवियस टॉपिक ऑल्सो जो हमने इससे पहले दो तीन वीडियोज़ में पढ़े थे उन सबसे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन लेके आऊँगा और आज से भी रिलेटेड जो मैं पढ़ाऊँगा उससे भी रिलेटेड मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आऊँगा तो आज का सेशन इस पर फोकस रहेगा तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं तो उस फैक्टर्स को पढ़ने से पहले हम एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं ली चेटरियल प्रिंसिपल ठीक है आपको स्क्रीन में रहा होगा ली चैटेरियल प्रिंसिपल साइंटिस्ट के नेम पर है तो उन्होंने इफेक्ट ऑफ कंसनट्रेशन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस इनर इफेक्ट ऑफ प्रेशर इन सब की स्टडी की इक्वेबरियम में और उन्होंने देखा कि किस तरह से जो इन चीज ये चीज़ें हैं टेम्परेचर प्रेशर कंसनट्रेशन किस तरह से इक्वेबरियम को अफेक्ट करती हैं तो उसको उन्होंने एक जनरलाइज रूल दिया या एक लॉ दिया प्रिंसिपल दिया उस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं ली चेटेरियल प्रिंसिपल उन्होंने क्या कहा मैं अभी अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूँ फिर उसके बाद जो भी स्लाइड में लिखा हुआ है उसको मैं आपको समझाऊंगा कि वन एवर वी विल चेंज इन द कंसनट्रेशन वेन एवर चेंज इन द टेम्परेचर वन एवर यू चेंज टेम्परेचर प्रेशर है ना कंसनट्रेशन ऑल्सो तो एट एकम ठीक है इन्हें केमिकल इक्वरियम अगर आपके पास सेटअप हो गया है केमिकल इक्विमियम दैट इज़ रेट ऑफ़ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन अगर इक्वल हो गई हैं तो जैसे ही सेटअप हो गया है तो इट मीन दैट जिस रेट से आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसीड हो रही है उसी रेट से आपकी बैकवर्ड रिएक्शन भी प्रोसीड हो रही है अब उस कंडीशन में अगर आप क्या कर दो रिएक्टेंट के कंसनट्रेशन में चेंज कर दो पूरी रिएक्शन का टेम्परेचर चेंज कर दो प्रेशर चेंज कर दो कैटलिस्ट डाल दो इनर्ट गैस डाल दो तो क्या होता है जो इक्विलिब्रियम होता है वो क्या होता है डिस्टर्ब हो जाता है माय डियर स्टूडेंट्स ठीक है इक्विलिब्रियम एक, क्या होता है डिस्टर्ब हो जाता है ठीक है तो जैसी जैसे एटमोसफेयर हम देखें हम जो हैं हम, हम भी क्या करते हैं अपने आप को इस्टेब्लिश करते हैं इक्विलिब्रियम जैसे हम जो हैं अभी जैसे विंटर सीजन आएगा तो अभी हम क्या हैं अभी जो एटमोसफेयर है उसके अकॉर्डिंग हम क्या हैं अभी इक्विलिब्रियम में विद एटमोसफियर के साथ ठीक है बट जैसे ही क्या होगा एटमॉस्फेयर चेंज होगा तो एटमॉस्फेयर में चेंज आ गया यानी कि इक्लेब्रियम से किस में आ गया आप चेंज कर दिया गया जैसे एटमोसफेयर में चेंज हो गया तो हम क्या करेंगे क्या उस एटमॉसफेयर के पर हम एक्सेप्ट कर लेंगे उसको एकदम नहीं कर पाएंगे ठीक है जिसका इम्यून सिस्टम सही होगा जो फिज़िकली फिट होगा तो वो ईजिली क्या कर लेगा एडेप्ट कर लेगा अपने इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को ठीक है तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अपने आप को एकदम क्या कर लेगा चेंज कर लेगा बट जिसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है बहुत है ना जब फिजिकली फिट नहीं है उसको टाइम लगेगा तो क्या वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा तो उसको बहुत सारे क्या जाएंगे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी ठीक है तो माय डियर स्टूडेंट्स इस इसी को हमको बोलते हैं एक मिनट यस सॉरी स्टूडेंट तो मैंने कहा बता आपको जब आपको जैसे एटमोसफियर चेंज होता है तो हम इसके अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कर लेते हैं एडजस्ट कर लेते हैं ठीक है स्टूडेंट आप पेज जो है रिफ्रेश कर लीजिएगा ठीक है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी तो प्लीज़ रिफ़्रेश कर लेंगे अपने पेज को बार बार आप रिफ़्रेश कर लीजिएगा अगर स्लो चल रहा है आपका नेट तो आप रिफ़्रेश कर लीजिए तो जो मैं लाइव आपको बता रहा हूँ तो वहीं पर आप आ जाएंगे तो इस तरह से क्या कहते हैं इक्वेब्रियम जो है अगर इक्वेब्रियम आपका एटमॉस्फेयर के साथ है अगर एटमॉस्फेयर में चेंज आ रहा है तो आप क्या करते हैं धीरे धीरे अपने आप को क्या करते हैं डिस इक्वेब्रियम में थोड़ा रखते हैं अपने आप में चेंज लाते हैं जिससे कि आप फिर एटमोसफेयर के अकॉर्डिंग जो है आप एडजस्ट हो जाते हैं ठीक है थीके? इसी तरह से कोई केमिकल रिएक्शन अगर है वो इक्वेब्रियम में सेटअप हो चुकी है अगर आप उसके प्रेशर में कंसंट्रेशन में टेम्परेचर में चेंज कर देंगे तो भी करता है अपने आप को दोबारा इस्टेब्लिश अपने आप में चेंजेस लाता है ठीक है रिएक्शन दो में किस तरह के चेंजेज आएंगे हम तो जैसे चेंज ले आते हैं अपने में है ना कुछ ना कुछ करके बट रिएक्शन कैसे अपने आप अंदर किस तरह से चेंजेज आएंगी तो मेनली क्या करती हैं या तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में अपने आप को वो इस तरह से स्टैब्लिश करते हैं और एक नया सेटअप हो जाता है ठीक है तो रिएक्शन अगर इक्वेबरियम में आ गई है अगर यू विल चेंज द कंसनट्रेशन टेम्परेचर एंड प्रेशर तो रिएक्शन विल अगेन डिस इक्वेबरियम कंडीशन में आ जाएगी तो अब वो रिएक्शन में रिएक्ट और प्रोडक्ट इस तरह से कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे वो क्या करेंगे हम वन बाई वन आगे पढ़ेंगे तो वो रिएक्शन जो है अगेन अपने आप को क्या करेगी इस्टेब्लिश करेगी जिससे कि एक नया इक्वेबरियम बन जाए फिर अगेन क्या होगा हम कंसनट्रेशन अगली बार हम प्रेशर में चेंज कर दें सपोज तो इक्विलिब्रियम क्या होगा डिस्टर्ब हो जाए तो अगेन रिएक्शन क्या करेगी अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करेगी कि जो आपने प्रेशर डाला उसका कोई इफेक्ट न पड़े और दोबारा इक्वरियम सेटअप हो जाए क्लियर फिर अगेन आपने क्या कर दिया सपोज़ कैटलिस्ट डाल दिया या इनर्ट गैसेस डाल दी तो अगेन आपका इक्विलिब्रियम क्या होगा डिस्टर्ब हो जाएगा तो फिर अगेन रिएक्शन क्या करेगा अपने आप को स्टेब्लिस होने के लिए वो कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जिससे कि अगेन वो स्टेबलिश हो जाएगा दैट इज़ इक्विलिब्रियम क्या होता है इसीलिए डायनेमिक होता है ठीक है तो आगे हम इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे तो इसी को हम बोलते हैं लीच ट्रियल प्रिंसिपल इफ़ यू विल चेंज इन द किसी भी एक्ग्रम सिस्टम में अगर आपका अगर हम चेंज करते हो अगर किसी भी फैक्टर में चाहे वो कंसनट्रेशन हो प्रेशर हो टेम्परेचर हो तो आपका जो रिएक्शन मिक्सचर होगा वो अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करता है सो दैट देर इज़ ए नो इफ़ेक्ट ऑफ चेंज अगर कोई आप चेंज कर रहे हो तो उसका इफेक्ट कुछ लगे ही नहीं है आपको समझ में आ गया माई स्टूडेंट लिटरेल प्रिंसिपल कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए अगर आपको लीचेल प्रिंसिपल समझ में आ गया हो बाकी स्टेटमेंट में आपको सर, लिखा हुआ है आप इसका स्क्रीन ले सकते हैं मैं स्टूडेंट टू वे कम्युनिकेशन कीजिए केवल सुनते मत रहिएगा आपको अगर समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में आप चैट बॉक्स आपके नीचे रहता है तो मैं चैट बॉक्स पर जाइए और वहाँ पर कमेंट भी लिखिए कि आपको अंडरस्टैंड हुआ लिटिटर प्रिंसिपल अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूँ उसको ठीक है आगे इसके इफेक्ट बताता हूँ कौन कौन से इफेक्ट हैं जिससे कि इक्विपमेंट का होता डिस्टर्ब हो जाता है और अगेन इक्विपमेंट की कंडीशन में सेटअप हो जाता है तो माई डे स्टूडेंट आप जो है लाइक कीजिए जायज़ शेयर कीजिए इसको अपने ग्रुप में जहाँ भी जो जो आपने ग्रुप बना रखे हैं ठीक है तो जितने भी मीडिया वगैरह हैं आप उसमें प्लेटफॉर्म जितने भी हैं उसमें आप शेयर कर सकते हैं जिससे कि मोर एंड मोर स्टूडेंट कैन बेनिफिटेड है ना उस बेनिफिट ले सकें इसका लिटरेर प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू नीट एग्जाम में भी काफ़ी पूछा जाता है इससे रिलेटेड्स तो माई डेस्टोट रीच डिटरबेंस में आपको क्लियर हुआ ठीक है तो अगर हम एक बार मैं और एक्सप्लेन कर रहा हूँ अगर इफ इन ए केमिकल रिएक्शन इज इक्लेब्रिज इज सेटअप ठीक है तो एट द पॉइंट ऑफ इक्लेब्रियम इफ विल चेंज द कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट अगर या फिर आप प्रेशर में चेंज करेंगे या टेम्परेचर में चेंज करेंगे तो आपका जो रिएक्शन मिक्सचर है वो अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करेगा जिससे कि आपने जो कंसनट्रेशन में चेंज किया था टेम्परेचर में चेंज किया था प्रेशर में चेंज किया था उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़े उसका उस रिएक्शन मिक्सचर में कोई इफेक्ट नहीं पड़े इट मीन दैट वो अके दोबारा क्या हो जाए अगर इक्विब्रियम से डिसक्विब्रियम हुआ था तो वो दोबारा क्या हो जाए इक्विब्रियम में सेटअप हो जाए दैट इज़ डायनेमिक इक्व्रियम इसीलिए हम इक्विब्रियम को क्या बोलते हैं डायनेमिक इक्विब्रियम बोलते हैं स्टूडेंट्स यस yes. आपको लिटरेचर प्रिंसिपल समझ में आया ठीक है तो हम आगे बढ़ते हैं पहला हम पढ़ते हैं कंसनट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा माई डियर स्टूडेंट इफ विल चेंज कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर रिएक्टेंट की अमाउंट अगर बढ़ा दिया आपने सपोज तो आपके पास जितना ज़्यादा रिएक्टेंट होगा तो प्रोडक्ट भी तो उतना तो तो ही बढ़ेगा ना है ना तो इट मीन दैट इफ विल अब अगर आपके पास रिएक्शन इक्विलिब्रियम में सेटअप हो चुका है तो अगर, अब क्या कर रहे हो उस कंडीशन में आप रिएक्टेंट और ऐड करते जा रहे हो जैसे जैसे और ऐड करते जाएंगे तो क्या होगा आपका रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा क्योंकि आपने कंसनट्रेशन बढ़ा दिया रिएक्शन मिक्सचर का तो रिएक्टेंट साइड तो आपका कंसनट्रेशन मोर हो जाएगा प्रोडक्ट साइड कम पह हो पह जाएगा तो जैसे ही आप कंसनट्रेशन जिस भी साइड बढ़ाओगे यानी कि आपने रिएक्टेंट साइड बढ़ाया मेनली प्रोडक्ट साइड तो बढ़ा नहीं सकते हो तो मेनली आप रिएक्टेंट साइड इंक्रीज करेंगे कंसनट्रेशन तो रिएक्टेंट का कंसनट्रेशन मोर हो जाएगा प्रोडक्ट का कम हो जाएगा तो अगेन बैलेंस करने के लिए रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी यानी कि प्रोडक्ट साइड बनने लगेगा यानी कि जहाँ पर रिएक्स जहाँ जो आपने कंसनट्रेशन ऐड किया वो क्या होगा कंज्यूम्ड हो जाएगा और वो कंज्यूम कैसे होगा प्रोडक्ट से कंज्यूम होगा तो अगर क्या करेंगे आप इफ़ यू विल चेंज इन इफ़ यू विल एड द रिएक्टेंट ठीक है अगर आप रिएक्टेंट को ऐड कर रहे हो ठीक है तो जो नेट रिएक्शन होगी वो कहाँ की ओर होगी जहाँ को रिएक्टेंट आप जो ने जो ऐड किया वो कंज्यूम हो जाए ठीक है अगर आप दे भी रहे हैं तो वो कंज्यूम ही तो होना चाहिए सो दैट द आपका रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मिक्सचर क्या हो जाए इक्वल हो जाए तो इट माई डियर स्टूडेंट क्लियर हुआ ये पॉइंट इफ़ यू विल चेंज द कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेन तो रिएक्शन कहाँ की ओर जाएगी कहाँ की ओर प्रोसीड होगी फॉरवर्ड एंड की प्रोडक्ट की साइड को जो है प्रोसीड होगी ठीक है इसी तरह से अगर आप रिएक्टेड का कंसनट्रेशन कम कर देंगे तो फिर बैकवर्ड साइड हो जाएगी ठीक है प्रोडक्ट का तो आप ऐड नहीं कर सकते हो है ना रिएक्टेड में ही चेंज कर सकते हो कंसनट्रेशन आप ठीक है तो इफ़ यू विल अगर आपने कंसनट्रेशन रिएक्टन का कम कर दिया तो फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी यानी कि रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं हो पाएगी आगे क्लियर इफेक्ट ऑफ कंसनट्रेशन तो मेनली जो इफेक्ट ऑफ कंसनट्रेशन है वो क्या है रिएक्शन के डायरेक्टली है जैसे कि आपके पास रिएक्शन मिक्सचर है एच टू आई टू गोज टू टू एच आई अगर आपने एच टू के अमाउंट यहाँ बढ़ा दी जितनी अमाउंट में आप एच टू और आई टू बढ़ाते जाओगे उतना ज़्यादा आपका एच आई की फॉर्मेशन जो है इंक्रीज होती जाएगी उतनी ज़्यादा अमाउंट में आपका क्या होगा एच आई इंक्रीज हो जाएगा क्लियर स्टूडेंट्स तो कंसनट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा इफ़ यू विल इंक्रीज़ द कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट तेन द रिएक्शन विल गो इन टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन अगर आप डिक्रीज करेंगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन में ये हो जाएगी ठीक है इस तरह से एच टू और आई टू अभी इक्ब्रियम में है इक्लेब्रियम में है इस तरह से ठीक है जैसे ही आपने क्या किया यहाँ पर एच टू एड की तो क्या होगा इक्लेब्रियम क्या हो जाएगा डिस्टर्ब हो जाएगा ठीक है अब डिस्टर्ब होने के लिए क्या होगा रिएक्शन क्या होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी तो अगेन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी तो रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम दोबारा रीस्टेब्लिश हो जाएगा ठीक है तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी अब आपकी ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर आ जाएगी इस तरह से ठीक है तो ये इस ग्राफिकली यू कैन अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट क्लियर तो अधिकारी यस yes. आपको समझ में आया तो जितने ज़्यादा आपके पास रिएक्टेंट होगा उतना ज़्यादा कहने का मतलब है आपके पास प्रोडक्ट भी बनेगा ठीक है इसको हम बोलते हैं रेट लो आगे ट्वेल्थ क्लास में पढ़ेंगे अभी हम बात करेंगे कंसनट्रेशन अगर आप रिएक्टेंट का इक्वरियम अगर इक्विमन सेटअप हो चुका है इक्विमियन के बाद आपने रिएक्शन का कंसनट्रेशन जो है चेंज कर दिया तो अगर आपने इंक्रीज कर दिया तो वो रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी और अगर आपने कम कर दिया गया है तो वो कहाँ की ओर चली जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी क्लियर तो कंसनट्रेशन का इफेक्ट ये पड़ता है तो मेनली आप इंक्रीज करेंगे कंसनट्रेशन उतना आपके पास प्रोडक्ट बनेगा यानी कि रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्टैब्लिश हो जाएगी ठीक है इंडस्ट्रीज है इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल ही नहीं आएगा तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा क्लियर तो ये तो सिंपल सा था कंसनट्रेशन का इफेक्ट अब अब देखो क्वेश्चन है कि वाई द वी इंक्रीज द कंसनट्रेशन अगर आप रिएक्टेंट का कंसनट्रेशन इंक्रीज़ करते हो तो आखिर बनता क्यों है प्रोडक्ट यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन क्यों होती है मैंने डी टू ने आपको बताया था कल रिएक्शन कोशियन और इक्वेब्रियम कंस इक्वेब्रियम कॉन्स्टेंट क्लियर तो रिएक्शन कोशियंट क्या होता है आपका क्यूसी होता है और इक्लेबियम कॉन्स्टेंट क्या होता है केसी होता है केसी ओनली अप्लाई एट द टाइम ऑफ इक्लेब्रियम कंडीशन बट मोलर कंसेंट के सी एंड क्यू सी नथिंग है ना कुछ और नहीं है इट इज मोलर कंसेंट्रेशन, क्यू सी एंड के सी और बोथ बोथ आर मोलर कंसेंट्रेशन, ठीक है बट आपका के सी कब अप्लाई होगा मोलर कंसनट्रेशन एटिक्लिबरी मैंने कल बताया था आपको और क्यू सी क्या होगा थ्रू आउट द रिएक्शन ठीक है तो अब क्या होता है यहाँ पर देखो क्यू सी क्या होता है फॉर्मूला भी वही रहेगा आपका क्यू सी इक्वल टू है ना रिएक्शन जो आपकी है एच टू प्लस आई टू गोस टू एच टू एच आई तो एच आई होली स्क्वायर कंसन अपॉन कंसनटेशन एच टू और आई टू अगर आपने कंसनटेशन एच टू का इंक्रीज कर दिया गया तो आपका क्यू सी की अमाउंट क्या हो जाएगी वैन एच टू इज एडेड यहाँ पर हाईलाइट क्या देखिएगा वन एच टू इज एडेड एट इक्वेरियम तो के क्यू सी जो हो जाएगा आपका लेस हो जाएगा और के सी बढ़ जाएगा तभी तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है कल मैंने आपको बताया था फॉरवर्ड डायरेक्शन में तभी होगी जब आपकी रिएक्शन में के सी की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन होगी क्यू सी सी तभी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगी याद रखिएगा ठीक है फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगी इफ़ द वैल्यू ऑफ के सी इज ग्रेटर देन क्यू सी इट मीन दे अगर आप एच टू एड कर रहे हैं उसमें तो के सी की वैल्यू बढ़ रही होगी और क्यू सी की वैल्यू क्या हो रही होगी कम हो रही होगी क्योंकि आपका रिएक्टेंट क्या होगा धीरे धीरे कंज्यूम हो जाएगा ठीक है और वो कौन कंज्यूम करेगा प्रोडक्ट कंज्यूम करेगा ठीक है माय डियर स्टूडेंट तो जब भी आप कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो क्यूसी की वैल्यू कम हो जाती है क्यूसी मीन्स रिएक्शन क्वेश्चन ठीक है और केसी मीन इक्विब्रियम कॉन्स्टेंट तो इक्विबियम कॉन्स्टेंट आपका ज्यादा होना चाहिए अगर आपका दोनों इक्वल हो जाए तो फिर इक्विब्रियम दोबारा सेटअप हो जाएगा ठीक है अगर आपका दोनों इक्वल हो जाए ठीक है तो फिर इक्विबरियम अगेन दोबारा सेटअप हो जाएगा सेटअप होने के लिए ही जा रहा है जिससे कि क्यूसी और क्यूसी और केसी आपके के आपके इक्वल हो जाए ठीक है माइडी स्टोन अब प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है माइडी स्टूडेंट ठीक है ना इफेक्ट ऑफ प्रेशर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा माइजस्टेंट प्रेशर का इफेक्ट में जो तो सॉलिड और लिक्विड होता है उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है ठीक है सॉलिड में लिक्विड जो तो है ये कंप्रेस नहीं होते हैं बहुत ज़्यादा ठीक है नहीं गैस जो होती कंप्रेस हो जाती है तो प्रेशर का कोई सॉलिड में तो बिल्कुल नहीं पड़ता है तो कहीं पर भी आपका क्वेश्चन आता है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ प्रेशर इन द फॉलोइंग रिएक्शन अब बट उस रिएक्शन में आपका सॉलिड है पूरा सॉलिड से रिलेटेड है और गैस रिएक्टेंट लिक्विड के रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं या फिर सॉलिड के रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं तो आप जो है आंसर उसका सॉल्यूशन मत करने लग जाना आप सीधे लिखेंगे देर विल बी नो इफेक्ट ऑन द गिवन मिक्सचर रिएक्शन मिक्सचर व्हेन वी अप्लाई प्रेशर या डिक्रीज करें या इंक्रीज करें चाहे आप डिक्रीज करो प्रेशर को या इंक्रीज करो देर विल नो इफेक्ट बिकॉज द लिक्विड और सोलह क्या होती हैं वो आपकी कंप्रेसिबल नहीं होती एस कम लस कंप्रेसिबल होती कह सकते हो सॉलिड तो बिल्कुल कंप्रेसिबल नहीं है ठीक है नहीं एस कंपेयर टू गैस ठीक है और साथ में एक दूसरा भी रीज़न है इसका जो वॉल्यूम होता है सॉलिड का और लिक्विड का वो इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर रह सकता है आप ये भी बोल सकते हो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड एंड सॉलिड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर ठीक है जो वॉल्यूम होता है सॉलिड का उससे प्रेशर में कोई चेंज नहीं आता है ठीक है आपके पास जो टेबल है टेबल में आप प्रेशर लगाओ क्या उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा नहीं होगा लिक्विड में भी नहीं हो पाता ठीक है थीके? गैस में हो जाता है तो इसलिए हम क्या पढ़ेंगे गैस का ही प्रेशर पढ़ेंगे तो अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज़ कर देते हैं ठीक है तो उसका इफेक्ट जो गैस वाली जो रिएक्शन होती उसमें है उसमें पड़ता है ठीक है अब वो कैसे पड़ता है मैं आगे बता रहा हूँ आपको आप ध्यान दीजिएगा ठीक है आपको अगर पसंद आ रही है ठीक है वीडियो तो आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और लाइक जायजा कीजिएगा जिससे कि रेटिंग बढ़े ठीक है वीडियो की और जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले रेगुलर जो है आपको यूट्यूब में यू वीडियोज़ जो है लाने के लिए देखो माय स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं एक रिएक्शन है ये आपकी कार्बन प्लस सी ओ टू गोस टू टू सी ओ टू सॉरी सी ओ तो ये देखो यहाँ पर गैस मिक्सचर है तो यहाँ पर आप देखो अगर हम क्या करते हैं देखो ये गैस मॉलिक्यूल है ये भी गैस मॉलिक्यूल है बट आप यहाँ देख रहे हैं कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं यहाँ पर प्रोडक्ट्स है टू मोल्स हैं टू मोल हैं यहाँ पर बट यहाँ कितने मोल हैं आपको टू मोल हैं तो दोनों साइड दो टू 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 मोल हैं इक्वल मोल हो गए तो इट मीन टू इक्वल टू टू आ गया इट मीन यहाँ पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा माई डेस्ट स्टूडेंट और वैसे भी मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर क्या है आपका सॉलिड है ये क्या है आपका सॉलिड है तो सॉलिड में तो वैसे भी प्रेशर का इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो इस रिएक्शन में अगर प्रेशर का आप चेंज या डिक्रीज इंक्रीज करना चाहोगे तो इक्विलिब्रियम में कोई चेंज नहीं आएगा ठीक है और आप ऐसे भी लगा सकते हो इसका आइडिया कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट साइड आपके नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हैं प्रोडक्ट साइड भी क्या है इक्वल है तो देर विल नो इफेक्ट ऑन द प्रेशर ऑफ द प्रेशर ठीक है अब सपोज नंबर ऑफ मोल कम हो गए यहाँ कम तो नहीं है तो बराबर ही है ठीक है नहीं अब देखो अगर प्रेशर को अगर हम यहाँ दें अगर सॉलिड को हटा दें अगर माइडियर स्टूडेंट थोड़ा सा यहाँ पर सॉलिड है ध्यान नहीं दिया मैंने अभी एक बार उसको देखो सॉलिड था यहाँ पर ठीक है नहीं देखिए ये क्या है आपका सॉलिड है एक बार और देखिएगा इसको सही से ये आपका सॉलिड है ठीक है सॉलिड पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर ये गैस होता अगर ये कार्बन यह की जगह पर कोई गैस होती तो यहाँ भी गैस गैस और गैस तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ भी टू होते और यहाँ पर भी टू होते प्रोडक्ट साइड भी रिएक्टेंट साइड भी तो आपका प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता अगर सपोज ये आपकी रिएक्शन क्या हो गई आप देखिए अब यहाँ पर जो है गैस की बजाय सॉलिड हो गया है यहाँ पर ये क्या है सॉलिड हो गया है एस ओ एल आई डी सॉलिड हो चुका है तो आप ये मत कहना कि इफ़ेक्ट नो इफेक्ट ऑन द रिएक्शन मिक्सचर क्योंकि आपका रिएक्टेंट में आपका सीओ टू भी है जो कि गैस फॉर्म में है ठीक है तो सॉलिड यानी कि जो कार्बन होगा उसका तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बट कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसका इफेक्ट पड़ेगा तो इसलिए ओवरऑल रिएक्शन मिक्सचर में अगर प्रेशर हम इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं चेंज करते हैं तो रिएक्शन मिक्सचर भी चेंज होगा अगर आपके सारे रिएक्टेंट सॉलिड हैं या सारे के सारे रिएक्टेंट आपके लिक्विड हैं देन आप बोलोगे कि नो इफेक्ट ऑफ द प्रेशर ऑन द गिवन मिक्सचर ठीक है इक्विलिब्रियम में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बट आउट ऑफ टू अगर आपके पास है रिएक्टेन उनमें से दो या तीन में से कोई भी अगर सॉलिड है तो सॉलिड का इफेक्ट नहीं पड़ता है बाकी अगर गैसेज हैं तो उनका इफेक्ट पड़ेगा उस पर इफेक्ट पड़ेगा प्रेशर का क्लियर स्टूडेंट तो यहाँ पर ये यह चीज़ ध्यान रखने की थी और इम्पोर्टेंट भी थी तो यहाँ पर जो होगा इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा माइंड स्टूडेंट तो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ मोल्स हो गए अब वन मोल हो गए ठीक है और आपके प्रोडक्ट साइड कितने मोल हो गए टू मोल्स हो गए यानी कि आपके जो हैं नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट साइड कम है प्रोडक्ट साइड ज़्यादा है तो आपको प्रेशर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं अगर आप प्रेशर लगाओगे ठीक है नहीं तो फिर आपका जो प्रेशर लगेगा वो कहाँ क्यों लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में इसलिए लगेगा मारे डियर फ्रेंड स्टूडेंट्स कि नंबर ऑफ मोल्स आपके कहाँ है प्रोडक्ट साइड ज़्यादा है तो प्रेशर कहाँ से लगेगा ज़्यादा जहाँ ज़्यादा कंसनट्रेशन है ज़्यादा नंबर ऑफ मोल है वहाँ से लगता है कम की ओर ठीक है तो अगर आप मोर प्रेशर अब इंक्रीज़ करेंगे तो आपकी रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाएंगे बिकॉज द रिएक्टेंट साइड आपके क्या है वन मोली सॉलिड कार्बन इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो आपका सॉलिड है सॉलिड जो होते हैं उस पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है क्लियर माइंड स्टूडेंट्स इसलिए क्या होगा आप प्रेशर को क्या करना पड़ेगा आपको कम करना पड़ेगा इसलिए इस टाइम ठीक है जितना प्रेशर कम करेंगे उतना आपका जो है इक्विलिब्रियम अगेन सेटअप हो जाएगा प्रेशर आप बढ़ाएंगे तो फिर रिएक्शन कहाँ की हो जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट प्रेशर प्रेशर का ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर समझ में आया माइंडेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं स्ट्रेस करके बहुत पढ़ा रहा हूँ इसको आप ठीक है आप याद रखिएगा प्रेशर का सॉलिड में लिक्विड में नो इफेक्ट बिकॉज सॉलिड और आपके लिक्विड जो होते हैं उनमें वॉल्यूम का वॉल्यूम जो उनका होता है प्रेशर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है ठीक है बट गैस की वॉल्यूम में जो है प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है तो अगर कोई रिएक्शन है उसमें सारे के सारे अगर सॉलिड रिएक्टेंट हैं या सारे के सारे लिक्विड रिएक्टेंट हैं तो आप उसमें सीधे सीधे लिख देंगे देर विल बी नो इफेक्ट इन ऑन दियम इन द एक्रियम एट एक्बरियम सॉरी एट एक्बरियम वैन वी इंक्रीज द प्रेशर या डिक्रीज द प्रेशर बट अगर आपकी ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट आपका क्या है गैस भी है और सॉलिड भी है तो सॉलिड पर तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा बट गैस पर पड़ेगा तो इसलिए आपके यहाँ नंबर ऑफ मोल भी क्या हो जाएंगे लेस हो जाएंगे ठीक है जो आपके टूब मोल थे पहले अब सॉलिड रिप्लेस हो जाएगा सॉलिड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ओनली किस पर इफेक्ट पड़ेगा गैस पर इफेक्ट पड़ेगा क्लियर हो गया माइंड स्टूडेंट नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं तो आपके रिवर्स डायरेक्शन में ये हो जाएगी ठीक है नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ इनर्ड गैसेस इनर्ड गैसेस क्या होती है माय डियर फ्रेंड इनर्ड गैसेस ऐसी गैसेस होती हैं जो क्या करेंगी रिएक्ट रिएक्ट नहीं करती हैं ठीक है नोबल गैसेज होती हैं आपके एट्टीन ग्रुप की है ना नियोन आर्गन हेलियम है ना क्रिप्टन जिनोन ये सब क्या होती हैं आपकी नोबल गैसेस होती हैं तो डियर स्टूडेंट अगर इक्विब्रियम में आपने नोबल गैस ऐड भी कर दी तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इनर गैट इज एडेड एट कौन है ना कॉन्स्टेंट वॉल्यूम देन इक्विब्रियम रिमेन अनडिस्टर्ब ठीक है कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इसमें पार्शियल प्रेशर जो होता है क्योंकि गैस का या मोलर कंसंट्रेशन जो होता है गैस का या सब्सटेंस का डू नॉट चेंज विद द एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेस इनर्ट गैसेस डालने से उनके मोलर कंसंट्रेशन में इनकी पार्शियल प्रेशर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है तो इसलिए क्या होता है इनर्ट गैसेस एग्जाम में अगर आता है तो आप क्या लिखेंगे इनर्ट गैसेज ऑन इंक्रीजिंग द इनर्ट गैसेज एट इक्ब्रियम देर इज नो इफेक्ट ठीक है कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है रिएक्शन के मिक्सचर में इक्विब्रियम में क्लियर तो अभी हमने स्टूडेंट पढ़ा कंसंट्रेशन का इफेक्ट पढ़ा कंसंट्रेशन पढ़ लिया प्रेशर पढ़ लिया ठीक है प्रेशर है कि वॉल्यूम एक ही बात है प्रेशर आप बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम कम कर रहे हो तो एग्जाम में घुमा के भी क्वेश्चन पूछ देता है माइंडियर स्टूडेंट्स ठीक है मैं वॉल्यूम नहीं बता रहा हूँ तो आपको अंडरस्टैंड खुद ही करना पड़ेगा एग्जाम में कभी वॉल्यूम भी दे देगा वो अगर आप प्रेशर इंक्रीज़ कर रहे हो ठीक है इससे पहले वाली रिएक्शन में हमने प्रेशर इंक्रीज़ किया था प्रेशर मीन दैट हमने वॉल्यूम क्या किया डिक्रीज़ किया तो एग्जाम में आपसे घुमा के पूछ देगा व्ट विल बी द इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम ऑन डिक्रीजिंग द वॉल्यूम या इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ठीक है तो आप उसको प्रेशर से कोरिलेट कर लेंगे ठीक है तो ये हम पढ़ चुके हैं क्योंकि अगर हमने कंसनट्रेशन या फिर प्रेशर या वॉल्यूम अगर चेंज किया तो एक आपका क्या होता है डिस्टर्ब हो गया डिस्टर्ब क्यों हुआ क्योंकि मैंने आज से पहले भी आपको बताया था क्यू आपका जो होता है चेंज हो जाता है एज़ कम्पेयर टू के अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर रिएक्शन जा रही है तो इसका मतलब आपका क्यू कम है और के ग्रेटर है ठीक है तो पहले वाली जो रिएक्शन थी आपका एच टू आई टू 2HI टू एच आई उसमें आपने कंसनट्रेशन इंक्रीज किया तो आपका क्यू सी कम हो गया था के सी बढ़ गया था इसलिए रिएक्शन कहाँ की ओर हुई फॉरवर्ड डायरेक्शन में बट जो दूसरी रिएक्शन थी जिसमें हमने इफेक्ट ऑफ प्रेशर पड़ा था उसमें आपके नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट साइड कम थे प्रोडक्ट साइड ज़्यादा थे तो इसलिए प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा आपका रिएक्शन कहाँ की और रिवर्स डायरेक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगी तो दो जूसी वाली जो रिएक्शन थी उसमें आपका क्यूसी ग्रेटर हो गया था मैं एक बार और आपके स्क्रीन पर लेना लेकर करना चाहूँगा ये देखिएगा वन मोल लिखे थे आपके देखिए यहाँ पर ये आपके वन मोल लिखे हुए हैं माई डियर स्टूडेंट और इधर लिखे हैं देखो प्रोडक्ट साइड टू मोल लिखे हुए हैं तो अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो प्रेशर कहाँ की ओर बढ़ेगा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तो प्रेशर बढ़ाने से आपके टू मोल कहाँ की ओर चले जाएंगे वन मोल की तरफ से को चले जाएंगे इनकी रिएक्शन कहाँ की ओर चली जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी उस कंडीशन में आपका क्यूसी जो होगा क्यूसी ग्रेटर हो जाएगा और के कम हो जाएगा ठीक है तो ये हम दो चीज़ें पढ़ चुके हैं क्लियर स्टूडेंट अब हम टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेंगे देखो वैन टेम्परेचर इज चेंज अगर आप क्या करते हैं टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा तो माइंड जस्ट आई होप आपको कंसनट्रेशन का इफेक्ट और प्रेशर का इफेक्ट समझ में आ गया होगा ठीक है अब हम पढ़ते हैं इसमें टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा वन टेम्परेचर इज चेंज अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम क्या होता है डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि यहाँ पर आपका केसी चेंज होता है दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा अगर आपने क्या किया इनर्ट गैस ऐड की या प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज़ किया या टेम्परेचर आपने इंक्रीज और डिक्रीज किया तो क्यू सी और के सी में चेंज आता मेनली क्यू सी में चेंज हो जाता है तो क्यू सी आपका कम हो जाता है ठीक है वो डिपेंड करता है फॉरवर्ड रिएक्शन में हो रही है कि बैकवर्ड डेक्शन में बट मेनली अगर वन बी टॉक अबाउट तो टेम्परेचर तो टेम्परेचर का जो इफेक्ट पड़ता है क्यूसी यानी कि रिएक्शन कोशियन पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है ठीक है नहीं भाई आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो जितनी अमाउंट आपने ले रखी है रिएक्शन के मिक्सचर में उतनी तो अमाउंट रहेगी ठीक है बट उनकी कानीटिक एनर्जी बढ़ेगी ओनली के सी आपका चेंज होगा याद रखिएगा क्या चेंज होगा आपका के सी के सी की वैल्यू में चेंज आएगा ठीक है याद रखिएगा डियर स्टूडेंट चेंज इन इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट विद टेम्परेचर डिपेंड अपॉन द साइन ऑफ डेल्टा एच मैंने आपको थर्मोडाइनमी बताया था डेल्टा एच क्या होती है एनथेलपी होती है अगर ये एनथेलपी नेगेटिव होती है तो इट मीन दैट रिएक्शन इज एक्जोथर्मिक इफ़ द डेल्टा एच वैल्यू इज पॉजिटिव यानी कि एब्जर्व कर रहा है एनर्जी को दैट इज एंडोथर्मिक ठीक है यहाँ पर लिखा हुआ है दोनों पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक्जोथर्मिक रिएक्शन होगी तो डेल्टा एच क्या होगा आपका नेगेटिव होगा माई डियर स्टूडेंट्स और अगर आपका एंडोथर्मिक है तो डेल्टा एस क्या होगा माई डियर स्टूडेंट्स पॉजिटिव होगा ठीक है तो एग्जोथर्मिक यानी कि एनर्जी आपके रिलीज हो रही है तो अगर आप टेम्परेचर क्या करोगे इंक्रीज करोगे तो और आपका क्या हो जाएगा क्यूसी कम हो जाएगा उसके इसमें के सी अब यहाँ पर तो के सी चेंज होता है क्योंकि टेम्परेचर का रिलेशन किससे था रहता के सी से रहता है मेनली तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा डिक्रीज़ हो जाता है आपका विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रिएक्शन क्योंकि पहले ही टेम्परेचर आपका रिलीज हो रहा है और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे इनक्रीज़ करेंगे तो आपका जो के सी की जो वैल्यू होगी जो इक्वेबरियम कांस्टेंट के होगा वो आपका क्या होगा कम हो जाएगा केसी के की वैल्यू कम हो जाएगी यहाँ पर आपका के सी क्या हो जाएगा आपका डिक्रीज हो जाएगा और आपको पता है के अगर डिक्रीज होता है तो रिएक्शन क्या होती है आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाती है एंडोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो है नहीं अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसका अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इक्वेबरियम कॉन्स्टेंट की जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाएगी और रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन हो जाती है क्लियर तो याद रखिए एक्जोथर्मिक में वैसे ही आप एनर्जी रिलीज हो रही है तो और अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो स्प्लेस आउट हो जाएगा ना सारा कुछ ठीक है नहीं तो इसलिए रिएक्शन क्या होगी आपकी आपको क्या करनी है फॉरवर्ड डायरेक्शन में करनी है तो आप टेम्परेचर कम करेंगे जैसे आप लैब में जाते हैं तो हम कभी आपसे कहेंगे कि इसको ज्यादा हीट मत कीजिए एच टीओ सुपोर्ट वाला तो पहले ही वो एग्जोथर्मिक रिएक्शन है एच ट अगर को रिएक्शन आप करते हैं अगर आप उसको और हीट करने लगेंगे तो सारा आपका टेस्ट ट्यूब से बाहर आ जाएगा तो प्रोडक्ट बनेगा ही है ना तो कभी हम कहते हैं कि भाई ये ये दो रिएक्शन मिक्सर हैं इसको आप हीट करके हीट कीजिए जब आप रहीट करते हैं तभी रिएक्शन आगे कलर वगैरह आगे प्रेसिपिटेशन वगैरह आता है अदरवाइज नहीं आता है तो वो रिएक्शन क्या है एंडोथर्मिक है उसका टेम्परेचर बहुत ऑलरेडी कम है और आप कम कर दे तो रिएक्शन मिक्सचर स्टेबलिश होगा ही नहीं ठीक है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर रिएक्शन करवानी है तो आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे और एक्जोथर्मिक रिएक्शन में अगर आपको फॉरवर्ड ही डायरेक्शन में अगर रिएक्शन करवानी है तो आप टेम्परेचर कम करेंगे क्लियर मेन कॉन्सेप्ट यही है इसका ठीक है अगर आप कैसे समझेंगे ये रिएक्शन है अब आप आपको कैसे पता चलेगा ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन है यहाँ पर डेल्टा एच की वैल्यू देखो नेगेटिव लिखी हुई है अगर नेगेटिव लिखी है तो एग्जोथर्मिक है तो आपको क्या करेंगे अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगी अगर वो पूछेगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया बनानी है एनएस बनानी है यह अमोनिया अगर क्वेश्चन में यही पूछ दे कि अगर आपको इफ यू वॉन्ट टू ऑप्टेन मोर एंड मोर अमोनिया दैट वट विल बी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा बनानी है रिएक्शन आपने देखा कि एक्जोथर्मिक है तो एक्जोथर्मिक में तो आपको टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी नहीं बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी बट बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी तो आपका एन टू और एस टू ही बन जाएगा अगेन तो आपको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा लो करना पड़ेगा अगर आप टेम्परेचर क्या करेंगे टेम्परेचर आप क्या करेंगे लो करेंगे तो आपका क्या होगा जितनी अमाउंट में यहाँ ज़्यादा एनर्जी हो गई थी रिएक्टेंट साइड कम हो गई थी तो थोड़ा आपका बैलेंस हो जाएगा तो जो एनर्जी जो होगी वो कहाँ की ओर चली जाएगी एंडोथर्मिक की ओर चली जाएगी तो इससे आपका मेंटेन रहेगा इक्विलिब्रियम दोबारा सेटअप हो जाएगा और यहाँ पर आपका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा क्लियर माई डे स्टूडेंट नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कैटलिस का इफेक्ट क्या पड़ेगा कैटेस क्या होते हैं माई डे स्टूडेंट ये कैटलिक्स ऐसे सब्सटेंसेज होते हैं जो रिएक्शन में हम ऐड करते हैं तो उस रिएक्शन की क्या कहते हैं इक्विलिब्रियम को या फिर कह सकते हैं कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को इफेक्ट नहीं करते हैं बट ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रही है तो इट मीन डेट के सी की वैल्यू बढ़ रही होगी इंक्रीज हो रही होगी एज कम्पेयर टू क्यू सी से या के पी की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही होगी एज कम्पेयर टू द क्यू पी ऑन एडिशन ऑफ कैटलिस ऐसे कैसे हो सकता है कि आप के सी कैटलिस एड कर रहे हैं और कंसनट्रेशन में कोई इफेक्ट नहीं डालता है कैटलिस इक्वेबरियम जो होता है इक्वेबरियम को भी डिस्टर्ब नहीं करता है तो आखिर ऐसे इंक्रीज कैसे हो जा रही होगी माई स्टूडेंट कैटलिस क्या करता है रिएक्शन की पाथ को चेंज कर दे रहा है कैटलिस क्या करता है रिएक्शन की पाथ को चेंज करता है जैसे ही पाथ आपका कम हो जाता है तो रिएक्शन ईजिली बन जाती है मैं इसको एक इस तरह से समझा सकता हूँ माई ड अगर ये आपकी एक ग्राफ है तो यहाँ पर आपका रिएक्टेंट है और ये यह यहाँ रिएक्टेंट जैसी एनर्जी एब्जॉर्ब हीट करेंगे तो एनर्जी को क्या करेगा वो एब्जॉर्ब करेगा और ऊपर चले जाएगा एक्साइटेड स्टेट में चले जाएगा अब वो क्या करेगा वापस जब आएगा तो क्या करेगा एनर्जी को रिलीज़ करते हुए आएगा और याद रखिएगा माई स्टूडेंट्स प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होनी चाहिए लेस होनी चाहिए तभी प्रोडक्ट क्या होगा आपका स्टेबल होगा अदरवाइज नहीं होगा ठीक है अब इस रिएक्स अब इस रिएक्शन ये आपकी सेटअप हो चुकी है इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गई है और ग्राफ मैंने आपको दिशा दिया अब इस ग्राफ की इक्विलिब्रियम वाले ग्राफ में अगर हम क्या करें कैटलिस्ट डाल दें सपोज ये रिएक्शन आपकी दस मिनट में हो रही थी तो आपका ये कैटलिस्ट क्या करता है कैटलिस्ट क्या करता है ये जो टाइम आपका टेन मिनट यूज हो रहा है ठीक है जो आपका कैटलिस्ट टेन मिनट बिना कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन क्या हो रही है टेन मिनट का टाइम ले रही है सपोज़ मान के चल रहे हैं है ना टेन मिनट में अगर हो रही है तो कैटलिस्ट डाल देते तो कैटलिस्ट क्या करता है इस रिएक्शन के टाइम को आधा कर देता है कम से कम एटलीस्ट फाइव मिनट मैंने लिखता हूँ वो कितना भी कर सकता है ऐसा क्यों करता है ऐसा इसलिए करता है जो रिएक्शन देखो यहाँ से आपको क्या करता है रिएक्टेंट को यहाँ से लेके यहाँ तक जाना पड़ रहा है देखो यहाँ तक इतना ऊपर जाना पड़ रहा है तो अब जो कैटलिस्ट होगा वो कैटलिस्ट क्या करेगा इस रिएक्शन के पाथ को जो आपको यहाँ से इस तरह से आने में टाइम लग रहा था वो रिएक्शन की पाथ को शॉर्ट कर देगा अब ये देखो ये बन जाएगा ठीक है अभी यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी थी अब देखो कम हो गई है ये दूसरे वाले केस में दो से वाले ग्राफ में कम हो गई है तो ये क्या करता है आपका कैटलिस्ट जो पाथ है उसको डिक्रीज कर देता है ठीक है पाथ को डिक्रीज होने से क्या होता है उसको एक्टिवेट करने में कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है जितनी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है उतना आपका रिएक्शन क्या होती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो जाती है ठीक है एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है इट इज़ अ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ प्रोडक्ट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जिसे हम बोल सकते हैं आगे ट्वेल्थ में पढ़ोगे केमिकल कांटेक्स में इसका डिटेल ठीक है तो अभी फिलहाल इतना समझना है कि आप टेम्परेचर ये कैटलिस्ट क्या करता है रिएक्शन के मिक्सचर को इफेक्ट नहीं करता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इफेक्ट नहीं करता है केवल वो क्या करता है टाइम ड्यूरेशन को चेंज कर देता है शॉर्ट कर देता है जो आपका एक घंटे में आधे घंटे में या दस मिनट में बनने वाले थे रिएक्शन का प्रोडक्ट रिएक्शन चेंज होने वाला था प्रोडक्ट में वो आपका विद इन ए फाइव मिनट विद इन ए वन मिनट ही कंप्लीट होता है ठीक है जैसे आप कहीं जा रहे हैं और आप जा रहे हैं आपको पता नहीं है रास्ता और बहुत लॉन्ग रास्ते से चले गए बट वहीं पर एक दूसरा बंदा है उस दूसरे बंदे ने क्या किया रास्ते में लोगों से पूछा कि भाई मुझे यहाँ जाना है तो इस यहाँ जाने के लिए कौन सा रास्ता होगा तो उन्होंने उससे उनको रास्ता बताया कि भाई यहाँ से आप चले जाओ ये थोड़ा सा आपका शॉर्ट रास्ता है ठीक है तो देखो टाइम भी कम लगेगा तो जो आपने जिससे पूछा कि भाई ये यह रास्ता यहाँ जाने के लिए है तो वो जिससे पूछ रहा जिस, जिस पर्सन से आपने पूछा वो क्या कहलाएगा कैटलेस ठीक है वो क्या कहलाएगा कैटलेस कहलाएगा क्योंकि उन्होंने क्या किया आपके साथ तो पार्टिसिपेट किया बट कैसे पार्टिसिपेट किया इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट किया आपसे कोई उन्होंने बात ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहे आपके साथ ठीक है आप जिससे मिलने वाले से उनके साथ भी उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया बट क्यों उन्होंने क्या किया आपकी हेल्प की जिससे कि आप जो आधे घंटे में पहुंच रहे थे वो वदिन फाइव मिनट विद इन टेन मिनट आप जो है अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए तो ऐसी जो सब्सटेंस है वो क्या कहलाते हैं कैटलिस्ट कहलाते हैं आई होप इस एग्जाम्पल को देने से आपको ये कैटलिस्ट का इफेक्ट समझ में आ गया होगा वैसे इसका डिटेल काफ़ी मैंने पढ़ा दिया है आपको भी ट्वेल्थ में भी पढ़ेंगे इसी को अगर आपको समझ में आ गया है कैटलिस्ट का क्या रोल होता है रिएक्शन को फास्ट अप करने में स्पीड अप करने में आई थिंक आपको समझ में आ गया है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा लाइक जरूर कीजिएगा लाइक like देने में माय डियर स्टूडेंट्स कंजूसी मत कीजिएगा ठीक है तो ये तो रहा आपका लिजिटर प्रिंसिपल ठीक है तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा आगे बढ़ें कुछ क्वेश्चंस में लेके आया हूँ आपके लिए देखिए क्वेश्चन हैं राइट द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी फॉर द रिएक्शन आपके पास रिएक्शन ये रखी है ये इसके लिए आपको के सी की वैल्यू लिखनी है ठीक है तो के सी कॉल डू क्या था प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन तो देखो प्रोडक्ट क्या है यहाँ आप पर आपको दिख रहा है एक ये है और एक ये है तो इनका कंसंट्रेशन आप लिख दो ये देखिए सिंपल सी बात है और आपका रिएक्टेंट क्या है देखो रिएक्टेंट आपका ये है और ये है इस तरह से एक ये है और ये इनका कंसनट्रेशन आप लिख दो इस तरह से तो के सी की वैल्यू आ गई अब देखो यहाँ पर एक कंडीशन भी आप लगा सकते हो सपोज़ यहाँ पर एच टू क्या है आपका एक्सेस में है किस में है एक्सेस अमाउंट में तो बहुत ज़्यादा अमाउंट अब कंडीशन लगा रहा हूँ यहाँ पर वैसे आप यहाँ पर ही स्टॉप कर सकते हो इस क्वेश्चन को अगर आपको आगे एक्सटेंड एक एक करना है अगर सपोज आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि इफ़ यू विल टेक अ डायलूट सॉल्यूशन डायल्यूट सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन होता है जिसमें वाटर लार्ज अमाउंट में होता है ठीक है एक्सेस अमाउंट में होता है अगर सपोज़ आपके पास एक ज़्यादा अमाउंट में है कोई चीज़ अगर उसको आपने कम भी कर दिया तो क्या उसके उससे कोई आपकी लाइफ में चेंज आएगा सपोज़ आपके पास कोई चीज़ है बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं अपनी लाइफ में बट बहुत बहुत ज़्यादा अगर वो हो जाती हैं एक लिमिट से ज़्यादा अगर आप किसी को दे देंगे तो क्या उससे आपकी लाइफ में इफ़ेक्ट पड़ेगा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना ठीक है आपके पास सपोज़ छोटा सा एग्जाम्पल लेता रहा हूँ आपके पास पेन है बॉक्सेज में ठीक है बहुत सारे आपने पेन रखने का शौक़ है कम से कम चालीस पचास आपके पास पेन है बट आपने किसी को दे दी किसी ने मांगी आपसे दे दी तो क्या इससे आपकी कैपेबिलिटी में आपकी जो जो भी आप अपना होमवर्क या क्लास वर्क करने वाले तो उसमें कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा ना क्योंकि आपके पास तो बहुत ज़्यादा है पचास तो में उसमें दस दे भी दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना तो इसलिए सपोज यहाँ पर एक डायल्यूट सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें वाटर की अमाउंट क्या होती है बहुत ज़्यादा होती है ठीक है तो उस डायल्यूट सोल्यूशन में अगर एच टू ओ की ज़्यादा अमाउंट है तो क्या होगा इस जो रिएक्शन मिक्सचर होगा वो रिएक्शन की जो रेट होगी वो वाटर पर डिपेंड नहीं करेगी किस पर डिपेंड करेगी ओनली दिस पर सी एस टी सी ओ सी टू एस पाइप पर डिपेंड करेगी तो इसलिए क्या होगा इसकी अमाउंट को नेगलेक्ट कर देंगे तो अगला जो हमारे पास इक्वेशन बन के आएगी वाटर हटा देंगे बाकी चीज़ें लिख देंगे क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन कैन इक्विलिब्रियम इज अचीव बिटवीन द वाटर एंड इट्स वेपर इन ओपन फैसल क्या हम इक्वेबियम सेटअप कर सकते हैं वाटर और वाटर वेपर के बीच ओपन कंटेनर में बिल्कुल नहीं ठीक है ओपन कंटेनर तो फिर होगा ही नहीं है ना सारी गैस क्या होगी इवेपोरेट हो जाएगी कोई आ ही नहीं पाएगा इक्वेबियम तो आप नहीं कर सकते मैं डेस्ट इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में इक्वेबियम कॉन्स्टेंट लिखना है जैसे कि अभी पहले लिखा था तो पहला क्वेश्चन देखिए बी ए सी ओ थ्री गोज़ टू बी ए प्लस सी ओ टी हाँ गोस्ट नहीं बोले इक्विलिब्रियम बोलते हैं ठीक है नहीं तो बी ए सी ओ थ्री जो है बेरियम कार्बोनेट क्या है आपका माइडियर स्टूडेंट सॉलिड है अभी मैंने आपको बताया सॉलिड के कंसनट्रेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है बी ए आपका क्या है सॉलिड है सी ओ टू क्या है आपकी गैस है तो आपका जो अब यहाँ पर के सी यूज नहीं होगा के पी यूज है क्योंकि रिएक्शन किस पर डिपेंड कर रही है के पी पर डिपेंड यानी गैस पर है गैस से रिलेटेड है क्योंकि सॉडे पर तो इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं ना तो आपकी जो इक्वेशन जो इक्वेबरियम कॉन्स्टेंट की जो वैल्यू लिखेंगे आप के पी से रिलेट करोगे और वो के पी किस पर डिपेंड करेगा न तो बी ए सी ओ थ्री पर डिपेंड करेगा और न ही बी ए पर डिपेंड करेगा बिकॉज बोथ आर सॉलिड ओनली डिपेंड ऑन द सी ओ टू यानी कि के पी इक्वल टू क्या रहोगा पार्शियल प्रेशर ऑफ सी ओ टू क्योंकि गैस के, के केस में हम पार्सल प्रेशर लेते हैं दूसरी क्वेश्चन में देखिएगा दूसरी इक्वेशन है आपकी ए जी बी आर इक्विबियम ए जी प्लस एक्वस में है और प्लस बी आर एक्वस में है और यहाँ पर ए जी बी आर आपका क्या है देखिएगा सॉलिड केस में है तो सॉलिड की फिर नहीं लेंगे ठीक है एक्वस है तो एक्वस पे लेंगे तो यहाँ एक्वस है तो के सी लेंगे तो के टू का जगह ए जी कंसनट्रेशन ए जी प्लस कंसनट्रेशन एंड बी आर नेगेटिव कंसनट्रेशन क्लियर माइंडेज में थर्ड क्वेश्चन में जाएंगे थर्ड क्वेश्चन है सी एस थ्री सी ओ सी एस थ्री ये आपका लिक्विड है इक्वेरियम में है सी एस टी सी ओ सी एस टी गैस में है ठीक है तो अगेन लिक्विड तो डिपेंड नहीं करेगा है ना तो किस पर डिपेंड करेगा कि ओनली गैस पर डिपेंड करेगा तो जाएंगे के पी तो के पी किसके होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ़ सी एस टी सी ओ सी एस टी बाकी चीज़ें हट जाएंगी देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन है सी एच फोर गैस है टू ओ टू गैस अगेन इक्विलिब्रियम सी ओ टू गैस है टू एच टू लिक्विड है तो अभी मैंने आपको बताया था लिक्विड आ गया देखो बाकी सारी गैस हैं तो लिक्विड पर डिपेंड नहीं करेगी ठीक है क्योंकि वॉल्यूम पर लिक्विड के वॉल्यूम पर सॉलिड के वॉल्यूम में प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बाकी गैसेस बाकी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यहाँ पे गैसेस हैं तो के पी के CO2. CO2 के टू क्या होगा पार्सल प्रेशर ऑफ़ सी ओ टू अपॉन पार्सल प्रेशर ऑफ सी ओ फोर एंड पार्सल प्रेशर ऑफ़ सी ओ टू सी ओ टू कितने टू हैं तो जो कोपिशियन होंगे वो कहाँ चले जाएंगे आपके पावर में चले जाएंगे ठीक है इसी तरह से आपके पास है नेक्स्ट क्वेश्चन ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन एच पी ओ थ्री एक्वस में है एच टू लिक्विड में है एच थ्री ओ एक्वस में पी ओ फोर एक्वस में है PO4, तो के सी इक्वल टू क्या हो जाएगा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपका एस सी ओ और पी ओ फोर एक्वस में और रिएक्टेंट क्या है आपका एस पी ओ फोर और एच टू ओ अगेन यहाँ पर देखो एच टू क्या हो जाएगा एक्सेस में हो जाएगा तो इसकी अमाउंट को अगर कर देंगे हम हटा देंगे ठीक है याद रखें इम्पोर्टेंट है आगे सारी सारा इम्पोर्टेंट है केमिकल कैंडिक्स में आगे यूज़ करेंगे इसको इल, ट्वेल्थ क्लास में क्लियर माई स्टूडेंट्स ओके नेक्स्ट देखें लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन में पहले रफ कर लेता हूँ तो देखिएगा आप ये है लास्ट क्वेश्चन ए एल प्लस थ्री एच प्लस एक्वस है ए एल क्या है आपका सॉलिड है देखिए यहाँ पर आपका क्या रहा आ रहा है सॉलिड आ रहा है देखिए ठीक है और ए एल यहाँ एक्वस आ रहा है और थ्री एच टू तो यहाँ पर जो आपकी इक्वेशन बनेगी इस तरह से बनेगी ठीक है ये ए एल प्लस थ्री आपका एच टू रिस्ट पावर थ्री बाई टू और एच प्लस आप एल की जो है इसको नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि इसको क्या है इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे ठीक है क्योंकि सॉलिड है सॉलिड के वॉल्यूम में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है ठीक है माइड स्टूडेंट जरा कमेंट भी करते रहिएगा अगर आपको समझ में आ रहा है और आपस में चैट कीजिएगा अगर कुछ पूछना है आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछिएगा चैट बॉक्स में ठीक है और शेयर ज़रूर कीजिएगा इस यूट्यूब की वीडियो को ठीक है लाइक्स बहुत कम हैं वॉचिंग बहुत ज़्यादा है माई डियर स्टूडेंट्स लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिए कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं देखिए ये क्वेश्चन है आपके गिव टू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वरियम ठीक है केमिकल इक्वरियम के दो करेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं तो माइंड दो करेक्टरिस्टिक क्या हैं आपको पता है डायनेमिक होता है केमिकल इक्वेबरियम और डायनेमिक होता है तो आपकी जो फॉरवर्ड रिएक्शन है और बैकवर्ड रिएक्शन है वो सेम रेट से होती है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द डायरेक्शन इन विच द रिएक्शन वुड प्रोसीड क्यू सी इज ग्रेटर देन के सी क्यूसी ग्रेटर है तो रिएक्शन कहा की ओर होगी बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी क्लियर गिव द डायरेक्शन गिव द डायरेक्शन इन विच द रिएक्शन प्रोसीड क्यूसी इज लेस देन के सी केसी ज्यादा है तो कहां की ओर होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी ठीक है याद रखिएगा ली इटर प्रिंसिपल वट ड्यू मीन बाय लीचि प्रिंसिपल देखो बहुत बार एग्जाम में आए हुआ अकॉर्डिंग टू लीचि प्रिंसिपल चेंज इन एनी ऑफ़ द फैक्टर डिटरमाइन दियम कंडीशन सिस्टम विल बीडू द अगर आप कंसनट्रेशन में कंसनट्रेशन में प्रेशर में टेम्परेचर में किसी भी अगर चेंज कर रहे होट एक्ब्रियम पर देन रिएक्शन मिक्सर क्या करता है उसको अंडू कर देता है इफेक्ट जो इफेक्ट आप डाल रहे हो कंसनट्रेशन का प्रेशर का उसको कर देता है रिएक्शन मिक्सर अंडू कर देता है दैट इज अगेन दोबारा नयाटअप हो जाता है क्लियर माईडिया स्टूडेंट्स दो चार क्वेश्चंस और हैं इसको कंप्लीट कर लेते हैं फिर हम नेक्स्ट कल से माय डियर स्टूडेंट्स आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे रिएक्शन है आपके पास फॉर अ रिएक्शन सी ओ प्लस एच टू गोस टू सी एस थ्री ओ और एच प्लस आपका जो है डेल्टा एच जो है आपका माइनस नाइनटी टू किलोजूल पर मोल है प्रिडिक्ट डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन वेयर प्रेशर इज डबल अगर हम प्रेशर इस रिएक्शन मिक्सचर का डबल कर दें ठीक है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा डायरेक्शन क्या होगा रिएक्शन का अगर हम टेम्परेचर डबल करें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा ठीक है माइस नहीं अगर हम प्रेशर डबल कर रहे हैं तो रिएक्शन देखो यहाँ पर सी यू प्लस टू एच टू है तो कितने नंबर ऑफ मोल हैं थ्री मोल हैं आपके कहाँ रिएक्टेंट साइड यहाँ पर आपके थ्री मोल हैं रिएक्टेंट साइड यहाँ पर लिखा लिख दे रहा हूँ मैं ये देखिएगा कितने मोल हैं थ्री मोल्स हैं और यहाँ कितने मोल हैं सी एस टी यू एच वन मूल हैं तो रिएक्टेंट साइड आपके क्या है बहुत ज़्यादा हैं प्रोडक्ट साइड क्या हैं बहुत कम हैं अब रिएक्शन में क्या कह रहा है प्रेशर हम क्या कर दें डबल कर दें तो आपने अगर प्रेशर डबल कर दिया गया है तो जहाँ नंबर ऑफ मोल्स कम होते हों वहाँ की ओर जो है रिएक्शन क्या हो जाएगी शिफ्ट हो जाएगी नंबर ऑफ मोल कहाँ है कम प्रोडक्ट साइड तो आपका रिएक्शन कहाँ की ओर शिफ्ट हो जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में इतना याद रखिएगा प्रेशर वहाँ की ओर अप्लाई करते हैं जहाँ नंबर ऑफ मोल्स क्या हूं? कम हो क्लियर अगर हम टेम्परेचर डबल कर दें तो आप देखिए यहाँ एक्जो रिएक्शन है ये एक्जो रिएक्शन है अगर आपने टेम्परेचर क्या कर दिया बढ़ा दिया तो फिर वैसी एक्जू थर्म वैसे, एक वैसे एनर्जी रिलीज हो रही है और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो और ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी है ना बहुत ज़्यादा उसमें एनर्जी हो जाएगी ठीक है तो स्पेस आउट होने का खतरा हो जाएगा बहुत ज़्यादा तो इसलिए टेम्परेचर आप डबल करेंगे तो इक्वेबियम क्या हो जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा ठीक है और वो रिएक्शन क्या जाएगी आपकी क्योंकि एक्जो है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट विल द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑन एक्वेब्रियम ये रिएक्शन आपके पास है इसमें प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा देखो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं थ्री प्लस वन फोर मोल हैं यहाँ नंबर ऑफ मोल कितने हैं टू तो आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो आपका मोर एंड मोर रिएक्ट प्रोडक्ट बनेगा ठीक है यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी क्योंकि आपका प्रेशर आपके प्रेशर इंक्रीज़ करना तो प्रेशर में हमेशा नंबर ऑफ मोल देखिएगा क्लियर स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर टेम्परेचर की बात करेंगे तो यहाँ हीट निकल लिए तो आपको अगर एन एस बनाना है तो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा लो करना पड़ेगा ऑब्वियसली एन और आपको हाइड्रोजन एच आपको इनक्रीज़ करना होगा If will in more and more concentration of N two NH then more ammonia is formed. Clear? So this is the concept. So next question है माय dear students ये question है आपका एक reaction दे रखी है उसमें आपको drive करना है Kc एंd Kp में relation तो इसके लिए आप मेरी जो पी सी वाली पिछले वाली वीडियोज़ हैं उसको जरूर देखिएगा मैं एक बार अगेन आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ रिएक्शन आपके पास है ये इसमें आपको के और के में रिलेशन बताना है तो आपको डायरेक्ट पता है के इक्वल टू क्या होता है रिएक्टेंट का प्रोडक्ट कंसनट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन एंड बीइंग रेज टू सम पावर अब इसको हम प्रेशर के कंटाउन चेंज करें तो प्रेशर के केस में हम क्या यूज़ कर लेंगे पार्सल प्रेशर यूज़ कर लेंगे तो के भी निकल जाएगा अब इन दोनों को हम क्या करें हैं सॉल्व करते हैं तो इस तरह से मैंने सॉल्व बताया था आपको है ना इससे पहले वाली वीडियो आप देखिएगा जरूर वहाँ पर आपको सारा कुछ मिल जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा के पी इक्वल टू के सी आर टी रिस्ट पावर डेल्टा एन क्लियर तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था तो इसके लिए आप मैंने पीछे वाली वीडियो जरूर देखिएगा रिलेशनशिप बिटवीन के पी एंड के सी रिलेशनशिप बिटवीन के सी एंड के सी डैश रिलेशनशिप बिटवीन क्यू सी एंड के सी है ऑल थ्री रिलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट अब देखिए एक यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है डिफरेंट टाइप का है ये देखिए रिएक्शन दे रखी है रिएक्शन इक्ब्रियम कॉन्स्टेंट दे रखे हैं के ए वन के ए टू के ए थ्री ये आपके कॉन्स्टेंट हैं हालांकि हम आगे मैं पढ़ू पढ़ाऊँगा मैं इसको आइन इक्लिब्रियम में आता है ये फिर भी आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर देखो तीन रिएक्शन दे रखी है यहाँ पर इनके लिए के ए के ए टू और के ए थ्री दे रखा है आपके लिए तो आपको क्या रिलेशनशिप बताना है इनमें के ए के वन और के ए टू में रिलेशनशिप बताना है तो पहले रिएक्शन के लिए हम निकालते हैं ये पहली रिएक्शन के लिए के हो गया देखिएगा तो पहली रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा ये हो जाएगा रिएक्शन प्रोडक्ट कंसनट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसनट्रेशन पहली वाली रिएक्शन के लिए ये हो गया दूसरी वाली रिएक्शन आपके पास ये है तो इसके लिए के टू ये बन गया आपका देखिएगा ये दूसरी वाली रिएक्शन हो गई अब क्या कह रहे हैं देखो इन दोनों रिएक्शन को अगर आप ऐड करते हो देखो ये पहली वाली रिएक्शन होगी ये दूसरी वाली देखो यहाँ से हम इसको देखो ऐड करते हैं तो देखो यहाँ पर से ये एच एस माइनस या एच एस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो क्या बन जाएगा थर्ड रिएक्शन बन जाएगी देखो ये आपकी टोटल रिएक्शन बन जाएगी ये ठीक है।, है पहली इक्वेशन को और दूसरी रिएक्शन को ऐड कर रहा हूँ तो क्या बन जा रहा है थर्ड इक्वेशन बन जा रही है एच टू एस गोस्ट ये एक्बरियम टू एच प्लस एच प्लस ऊपर भी है एच प्लस नीचे भी है तो टू एच प्लस और आगे प्लस एस निगेटिव क्लियर हुआ तो हमने पहली वाली इक्वेशन का के ये निकाल लिया दूसरी वाली की का निकाल लिया अब अब हम तीसरी वाली को नहीं निकालेंगे ठीक है अगर तीसरे वाले को निकालते भी हैं तो देखिए तीसरे वाली इक्वेशन आपकी ये है इसका अगर हम निकालते भी हैं तो आपको क्या रिलेशन बन रहा है कि के ए थ्री जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा के ए वन और के ए टू के इक्वल हो जाएगा निकालो तो अच्छी बात है तो अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहते हैं क्योंकि मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दिया देखो इन दोनों को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो थर्ड वा इक्वेशन बन जा रही है तो आप इनको ऐड करेंगे तो थर्ड वाली भी बन जाएगी ठीक है तो इट मीन दैट जो अगर एक रिएक्शन जो है दो या दो से ज्यादा स्टेप में हो रही है तो जो मेन जो फाइनल रिए रिएक्शन होगी उसका जो डिसोसिएशन इक्वियम कांस्टेंट होगा वो पहली रिएक्शन और दूसरी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होगा ठीक है तो आप जब थर्ड वाली इक्वेशन करते हैं तो वो ये आता है एच टू एस गोज टू टू एच प्लस और एस टू एच टू वेस्ट पावर टू कंसनट्रेशन और एस नेगेटिव और नीचे क्या आएगा आपका डेडोमीटर में एच टू एस तो K3 थ्री इक्वल टू ही आया और जब आप के और के को मल्टीप्लाई करते हैं तो यही चीज़ आती है अगर आप के ए वन और के टू को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये चीज़ बन के आती है आप इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हो ये के वन है और ये के टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगी देखो मल्टीप्लाई में करके दिखाता हूँ आपको के ए वन इन के ए टू तो ये 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 तो ऊपर आ जाएगा आपका ये नीचे आ जाएगा तो एच एस ये एच एस से आपका ये एच एस कैंसिल हो जाएगा ठीक है तो आपको क्या बचेगा खाली एच प्लस बचेगा और आपका बच्चे का नीचे एच टू एस और एच प्लस एच प्लस मिल आपका टू एच प्लस हो जाए एच प्लस की पावर टू हो जाएगी तो ये बन के आ जाएगा आप इसको करिएगा ठीक है सॉल्व कीजिएगा यहाँ पर अभी पॉसिबल नहीं है मैं इसको बताऊँ आप इसको सॉल्व कीजिएगा ठीक है ये आप इसका स्क्रीन शॉट ले लेंगे ठीक है आप इसको प्रैक्टिस के तौर पर किसी निकालिए इसका आप सभी लोग माय डियर स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ठीक है इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा ठीक है बिकॉज टाइम लिमिट नहीं है मैं इतना बताऊँ आपको अभी सारा कुछ बता चुका हूँ अब देखो ये रिएक्शन है इनमें के सी की वैल्यू दे रखी है और के पी की वैल्यू निकालनी है ठीक है आ, नहीं के सी की वैल्यू फाइंड करनी है के पी की दे रखी है ये देखो दोनों इक्वेशन में तो आपको कुछ नहीं करना है के पी इक्वल टू तो ये आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है अब डेल्टा एन निकालना है। यहां पर केवल डेल्टा एन निकालना आपको इंपॉर्टेंट है तो देखो डेल्टा एन कैसे निकालते हैं माई डियर स्टूडेंट देखो पहली वाली क्वेश्चन में यहां कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं आपके टू एन हैं और एक सी एल एन की हो गए आपके और देखो रिएक्टेंट साइड कितने हो गए टू हैं तो थ्री माइनस टू देखिए कि वन आ जाएगा ठीक है तो इस तरह से रखना बाकी आर की वैल्यू आपको पता होती है जीरो पॉइंट जीरो एट थ्री वन टेम्परेचर आपका फाइव हंड्रेड कैलोविन है के पी आपको दे रखा है वैल्यू पुट करनी है केवल आपको और आंसर निकल जाएगा तो आंसर एक इतना आएगा इसी तरह से आप दूसरे वाले इक्वेशन में भी कर सकते हो तो दूसरे वाले इक्वेशन में भी हम क्या करेंगे डेल्टा एन निकालेंगे पहले तो डेल्टा एन कैसे निकालेंगे देखो यहाँ कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं टू हैं और यहाँ कितने मोल हैं वन है तो टू माइनस वन कितना आएगा आपका वन ही आएगा तो देखिएगा नीचे यहाँ सॉल्व किया हुआ है वन डेल्टा एन की वैल्यू क्या आई है आपकी वन ठीक है बाकी आर की वैल्यू आपको पता है टेम्परेचर दे रखा है के पी दे रखा है तो के सी निकाल लेंगे बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला के पी इक्वल टू तो के सी आर टी रेस्ट टू पावर डेल्टा एन ठीक है ठीके? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है खाली वैल्यू पुट करनी है इसको आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका के सी इक्विबन कॉन्स्टेंट के सी दे रखा है आपको इसके लिए इतना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का है फॉर अ पर्टिकुलर टाइम एनालिसिस सो दैट द मिक्सचर रिएक्शन मिक्सचर जीरो थ्री पॉइंट जीरो मोल आपके एन टू हैं टू पॉइंट जीरो मोल आपके एच टू हैं जीरो पॉइंट फाइव मोल आपके एन एच थ्री हैं तो आगे पूछ रहा है इन दिस रिएक्शन इज द रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम ये क्या रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगी इफ़ नॉट अगर नहीं है तो आप डायरेक्शन में बताइए ठीक है तो ये क्वेश्चन तो है तो डिफरेंट है लास्ट क्वेश्चन है तो कैसे निकालेंगे देखो सारा कंसनट्रेशन दे रखा है एन टू एच टू एन एस कंसनट्रेशन दे रखा है इवन आपको के सी भी दे रखा है के सी की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर ये दे रखा है आपको मैं इसको आपको ये के सी की वैल्यू दे रखी है के सी की वैल्यू दे रखी है एन टू एच टू एन एस सारी वैल्यू दे रखी हैं तो आपको क्या करना है यहाँ पर लॉ ऑफ मास एक्शन इक्विलिब्रियम लगाना है पर उससे पहले देखो ये करना है आपको ये के सी क्यू सी निकालना है आप के सी तो वैल्यू दे रखी है तो देखिए इस रिएक्शन को हम जब लिखते हैं सबके कंसनट्रेशन दे रखे हैं ये भी हमने लिख लिए तो आपको फॉर्मूला क्या करना? यूज, करना यूज करना है के सी यूज़ नहीं करना है क्यू सी यूज़ करना है फॉर्मूला क्या होगा क्यू सी बाकी वही रहेगा प्रोडक्ट कंसनट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट रिएक्टेन कंसनट्रेशन तो एन एस सी कितना दे रखा है थ्री दे रखा है तो थ्री की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे हम देखिए देखिए ये पुट कर दिया हमने और इनकी एन टू और थ्री एस टू की वैल्यू भी हमने यहाँ पुट कर दी है तो जैसी पुट करे तो आंसर कितना आया जीरो पॉइंट जीरो वन ज़ीरो फोर ठीक है बट आपको क्वेश्चन में के सी की वैल्यू कितनी दे रखी है ये दे रखी है तो आपने देखा क्यू सी की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई जीरो पॉइंट जीरो वन जीरो फोर के सी की वैल्यू जो आपको दे रखी है वो कितनी आई जीरो पॉइंट जीरो सिक्स वन आई तो इट मीन दैट कौन ज़्यादा है आपका के सी ज़्यादा है ठीक है और क्यूसी काम है जो आपने निकाला क्यूसी काम है तो अभी मैंने आपको बताया था इफ़ द वैल्यू ऑफ के सी इज ग्रेटर देन क्यू सी तो रिएक्शन कहाँ की ओर करेगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी तो आप आंसर क्या देंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे इससे पहले क्वेश्चन में पूछा तो क्या रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो आप बोलेंगे नहीं है क्यों नहीं है बिकॉज द वैल्यू ऑफ क्यू सी एंड के सी की वैल्यू क्या है नॉट इक्वल अगर इक्वल है तभी वो इक्विलिब्रियम में रहेंगी और आपने देखा के सी की वैल्यू ज़्यादा आ रही है जो दिवन है गिवन है और के क्यू सी आपने फाइंड किया फॉर्मूले से तो अगर ग्रेटर है तो आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी अगर लेस है तो आपकी क्या होगी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी जैसा कि यहाँ पर है सात वही है ना ये तो वही रिएक्शन है यहाँ पर भी ठीक है वही क्वेश्चन है लगभग वही क्वेश्चन है यहाँ पर आपको देखो के की वैल्यू दे रखी है ठीक है अब क्यू निकालेंगे यहाँ पर भी सेम वही क्वेश्चन है बस डेटा चेंज है तो यहाँ पर कंसल्टेशन पहले आपको निकालना पड़ेगा बस ठीक है यहाँ पर आपको कंसनट्रेशन निकालना पड़ेगा क्योंकि लीटर दिया है तो थोड़ा सा क्वेश्चन उसने घुमा दिया लिखा है कि मिक्सचर ऑफ वन पॉइंट फाइव सेवन मोल ऑफ एन टू हैं मोल दे रखे हैं आपको ठीक है नहीं कंसनट्रेशन नहीं दे रहे तो कंसनट्रेशन निकालने के लिए क्या करते हैं कंसनट्रेशन इक्वल टू तो होता है मोल पर लीटर तो जो मोल दे रखे हैं उनको लीटर से क्या करेंगे आप डिवाइड कर देंगे जो भी मोल आपको दे रखा है उसको आप क्या करेंगे लीटर से डिवाइड कर देंगे लीटर से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे बिकॉज कंसनट्रेशन इक्वल टू क्या होता है मोल पर लीटर मोल पर लीटर कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या होता है मोल पर लीटर होता है तो पहले आप कंसंट्रेशन फाइंड करेंगे तो हर एक को डिवाइड करेंगे तो कंसंट्रेशन निकल जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क था आपका इतना अब वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू पुट करने के बाद कितना आया वैल्यू टू तो पॉइंट फोर इंटू टेन टू थ्री आया और हम देखें यहाँ के सी की वैल्यू कितनी दे रखी है माई डियर स्टूडेंट्स के सी की वैल्यू दे रखी है आपकी किसी की वैल्यू शायद हाँ ये दे रखिए शायद इज़ शायद इसमें मिस हाँ ये दे रखिए देखिए ये दे रखिए के की, की वैल्यू ठीक है तो थोड़ा हाईलाइटर था इसलिए देख नहीं पा रहा था मैंने स्टूडेंट्स ये है देखिए यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको ये दे रखिए के सी की, की वैल्यू कितनी है वन पॉइंट सेवन इन टेन डेज टू पावर सेवन टू वन पॉइंट कितना है वन पॉइंट सेवन में है ठीक है जबकि यहाँ कितनी वैल्यू आ रही है टू पॉइंट फोर आ रही है इट मीन दैट यहाँ पर आपका क्यू सी क्या होगा ग्रेटर हो गया एज कम्पेयर टू के सी तो इट मीन दैट रिएक्शन कहाँ की ओर चली जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी क्लियर माइंड स्टूडेंट तो इस तरह से आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं तो आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी ठीक है तो एनी डाउट ठीक है मनीष जीना क्या कह रहे हैं मनीष जीना ठीक है इफ़ यू हैव एनी क्वेरी तो आज का लेक्चर आपकी वीडियो आज कैसी लगी तो जरूर आप बताइएगा ठीक है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा तो काफ़ी लंबी होगी है वीडियो आज की तो माय डियर स्टूडेंट तो इतने ही क्वेश्चन थे बाकी सेवन पॉइंट टू वन भी आप अगर लेना चाहते हो स्क्रीन शॉट ले सकते हो सेम वही रहेगा बस थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें इसमें आपको क्या करना है इसमें आपको इस तरह से करना है ये आपके कंसल्ट्रेशन है इस तरह से यहाँ पर लिख देना है तो यहाँ पर भी सेम वही है क्यू है क्यू निकालना है ठीक है तो वही क्वेश्चन है रिपीट हो रहा है तो ऐसा कोई अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है तो आज का लेक्चर यहीं पर हम एंड करते हैं आपको कैसी लगी वीडियो जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा माय डियर स्टूडेंट लाइक ज़रूर कीजिएगा लाइक में कमी नहीं कीजिएगा ठीक है तो कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ इतना पढ़िएगा ठीक है हमने पढ़ लिया है इतना फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या है केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है दोनों की प्रॉपर्टीज करेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ लिए हैं ठीक है और दोनों की प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद हमने केसी निकालना सीख लिया है है ना क्यू सी क्या होता है ये भी देख लिया है क्यू सी और के सी में क्या रिलेशन है ये भी देख लिया है ठीक है क्यूसी हमेशा अगर आपका के सी अगर ग्रेटर देन होगा क्यूसी तभी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है ये भी हमने डिस्कस कर लिया है ठीक है तो सारा कुछ हमने फिजिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ लिया है ठीक है के सी और के पी रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है ठीक है उसको ड्राइव करना सीख लीजिएगा किस तरह से ड्राइव करते हैं मैंने बताया था इससे पहले वाली वीडियो को जरूर आप देखिएगा ठीक है लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा थैंक यू वेरी मच